अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं जॉब रेड अलर्ट। पंजाब पुलिस कांस्टेबल जॉब्स 2020 आई है। जो भी इसके जो इसमें अप्लाई करना चाहता है, जो भी ख्वाहिशमंद हजरात हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब पुलिस की जॉब है और पूरे पाकिस्तान से वैकेंसी आई है। 10,000 वैकेंसी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस बार वैकेंसी निकली है पुलिस की। जॉब अवेलेबिलिटी है इसकी परमानेंट है। ये पहले कॉन्ट्रैक्ट पर आ रही थी, इस बार इन्होंने परमानेंट निकाली है। एक्सपीरियंस का कोई रिक्वायर्ड नहीं किया। एजुकेशन मैट्रिक मांगी है। रिजन आपका जो NIOC है, NOC, वो आपको पंजाब को होना चाहिए, तो आप पंजाब में पंजाब पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इसका जो ऑफर जो सैलरी है 25 से 35 हज़ार तक लग सकती है। स्किल फिजिकल फिट होने चाहिए, आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 22 साल। डिसीजन कॉन्स्टेबल की जॉब है। लास्ट डेट इसकी है 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को आई है। 26 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ये मैं आपको इसको फॉर्म दिखा देता हूँ, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये इसको फॉर्म ओपन हो रहा है। इश्तिहार भर्ती कांस्टेबल वैलिडिटी कांस्टेबल दोनों की आई हुई है, इसमें देख सकते हैं आप। तो कद इन्होंने मांगा है, सॉरी एज जो इन्होंने मांगी है 18 से 22 साल होनी चाहिए। कद बराए मर्द उम्मीदवार जो मर्द हैं उनकी कम से कम 5 फुट 7 इंच होना चाहिए और ख्वातीन का 5 फुट 2 इंच कद होना चाहिए। छाती कम से कम 33-34 हो, सिर्फ मर्द उम्मीदवार के लिए है। और स्टूडेंट उम्मीदवार का मुतल्लिका जिला का डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। आपका जो डोमिसाइल है पंजाब का होना चाहिए और इसका जो शनाख्ती कार्ड भी आपको होना लाजमी है। बेफॉर्म वगैरह का कोई इसमें नहीं माना जाएगा। तालीम मंजूरशुदा बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से आपका मंजूरशुदा हो, 50% आपके मैट्रिक में नंबर हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। दौड़ बराय मर्द उम्मीदवार 1.5 किलोमीटर, ये 1.6 किलोमीटर है, 7 मिनट में तय करनी है आपने। और ख्वातीन की 1.5 किलोमीटर 10 मिनट में तय करनी होगी। ख्वाहिशमंद अफराद जी, इनका जो फॉर्म है वो आप इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और अगर आप वैसे लेना चाहते हैं किसी भी शॉप से, किसी भी जगह से जाकर, अपने नेट कैफे से जाकर इसका ये आप निकलवा सकते हैं फॉर्म। दरख्वास्त फॉर्म, तस्दीक शुदा फोटो कापी, असनाद, ज़रूरी कागजात, मुतलका ज़िले पुलिस लाइन से मौलवा, 12/10/2020, 26/10/2020 तक हासिल किए और जमा करवाए जा सकते हैं। उसके बाद ये जमा नहीं हो सकते, 26 लास्ट डेट है। भर्ती शेड्यूल के मुताबिक मालूमात तमाम ज़िले पुलिस लाइन से हासिल की जा सकती है। आप इधर से इनको कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीदवार को कद, छाती, तालीम और उम्र वगैरह में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पहले सरकारी नियम, सरकारी मुलाजिम अपना फॉर्म दरख्वास्त महकमा दोस्त से जमा करवाएं। इसमें जो रिटायर हजरात हैं आर्मी से या किसी और इदारे से, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो एक्स फॉर्म होता है वो इनको साथ जमा करवाना होगा। 5% को अकलती जो गैर मजहब हैं उनके लिए मखसूस होगा कोटा जो है। 15% कोटा ख्वातीन के लिए है। 10% साबिक फौजियों के लिए कोटा है। कद, छाती, तालीम, स्कोन जो मतलब उम्मीदवार के मखसूस है। उम्र की, अगर फौज की मतलब लाजमत की है तो उनकी उम्र 22 साल या उनसे कम होनी चाहिए। रावत 40 से ज़्यादा ना हो और इसे रिटायर्ड हुए 2 साल से ज़्यादा अरसा ना हो। जो आर्मी से रिटायर्ड है वो 22 साल या उससे कम होनी चाहिए। जो बाकी हैं जिन्हों आर्मी से रिटायर्ड नहीं है उनकी बात करूँ, और जो रिटायर्ड हैं उनके 40 साल तक उम्र होनी चाहिए।
और 2 साल तक उनका मतलब 2 साल उनको ज्यादा ना अरसा हो गया वो उनको रिटायर्ड हुए को। अच्छा जी आगे चलते हैं। उम्मीदवार का अच्छा दी नुमाइश दौड़ प्रतियोगिता पर इंटरव्यू लिया जाएगा, पहले आपकी दौड़ वगैरह फिजिकल वगैरह होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। तमाम उम्मीदवार को बयान हलफी जमा करवाना होगा कि वो किसी किस्म की एफआईआर या मुकदमा, या आपको तस्दीक करवानी होगी कि आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं है। अगर किसी पर एफआईआर है तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी मौलवी उम्मीदवार किसी ने तो इसनाद, अगर कोई आपका सर्टिफिकेट वगैरह जाली है तो आप इसमें अप्लाई ना करें, अगर आपका ओरिजिनल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जॉब आई है इस बार। से वो उम्मीदवार जिसमें प्रवेश के अहल होंगे, जिसकी दरख्वास्तें मुकम्मल पाई जाएंगी, उम्मीदवार को इंतखाब के मुख्तलिफ मराहिल में किए जाने वाली किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। अच्छा ये DIG ये जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर की है, उन्होंने ये इश्तेहार जारी किया है। ये पिछली बार एक्सटेंड हो गई थी, इस बार दोबारा आई है और 10,000 वैकेंसियाँ हैं। आप सब अप्लाई करें, जो जो इसमें अप्लाई करना चाहता है, बहुत ज़बरदस्त जॉब है। तो अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए, अगर इसी तरह आप न्यू जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपको पता लगता रहे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।